अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट अहमद भट्टी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड पेट्स लवर। आज हम आए हैं अब्दुल मोहसिन भुट्टा की ब्रीडिंग सेटअप पर। जानते हैं अब्दुल मोहसिन भुट्टा से कई सीजन इन्होंने कौन कौन से बार ब्रीड पर लगाए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी मोहसिन भाई, बताएं कौन कौन से बर्ड जो ऐड किए हैं? हाँ बिल्कुल अहमद भाई, बर्ड मैंने एग्जीबिशन और होगोरोमो को फोकस किया हुआ है। सीज़न एग्जीबिशन का पिछले सीज़न मैंने चलाया था इस दफ़ा, लेकिन मोस्टली जो है ना होगोरोमो की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा गया है। कोशिश किया है कि तकरीबन हर म्यूटेशन का ना कम से कम एक बर्ड जो है वो मैं होगो में ऐड करूँ। वो रिसेसिव हो गया, टीसीबी, लोटिनो, मेरे पास इस टाइम येलो डीएफ में कुछ पेयर्स हैं अवेलेबल, और नॉर्मल मार्किंग के मैंने क्वालिटी बनाने की कोशिश की है। नॉर्मल मार्किंग में कुछ पेयर्स हैं मेरे पास, टीसीबी हैं, लेसविंग्स हैं, अल्बिनोज हैं मेरे पास। इसके अलावा जो मतलब कि मैंने वर्किंग एज करना चाहिए वो फेलो होगोरोमो भी ऐड किया है। कोशिश की है कि हर एक पेयर बर्ड मैं अपने पास ऐड करूँ। रेनबो में एक तो पेयर ऐड किए हैं, उनका रिजल्ट लेने की कोशिश की है मैंने, और रिसेसिव का मेरे पास होगो में एक बर्ड ऐड है। रिसेसिव की वर्किंग मैं इस दफ़ा होगोरोमो में चलाऊँगा। मोस्टली मेरे पास इस टाइम 7 से 8 म्यूटेशन में जो है होगोरोमो को ट्रेंडिंग में लेकर चल रहा हूँ। प्लस एग्जीबिशन की तरफ अगर आते हैं तो एग्जीबिशन में मैंने पिछले सीज़न जो एग्जीबिशन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छे बर्ड भी प्रोड्यूस कराए हैं, इस दफ़ा उनको मैंने क्रफ्ट में डालने की कोशिश की है। एग्जीबिशन क्रफ्ट बनाने की कोशिश की है, देन एग्जीबिशन क्रफ्ट को फाइव इम्प्रूव के लिए होगो में डालने का एक गोल मैंने सेट किया है अपने लिए। तो वर्किंग है, काफ़ी लॉन्ग टर्म है, इंशाल्लाह बर्ड को चलाऊँगा सारा। ब्लैकिंग का एक बर्ड मैंने ऐड किया है अपनी तरफ सिंपल ब्लैकिंग में, उसको होगो में लाना है अभी मैंने इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कोशिश में लगे हुए हैं कि जितना अच्छा और बेहतर बर्ड प्रोड्यूस कर सकें तो मार्केट में ला सकें और अपने जो है शौकीन हजरात को जो एंटरटेन कर सकें बर्ड के थ्रू। अच्छा, मैंने जितने भी बड़े ब्रीडर्स का जो सेटअप विजिट किया है उसमें मैंने एक चीज़ नोट की कि वो एग्जीबिशन वाले जितने भी ब्रीडर थे वो सारे होगो की तरफ आए हैं। तो अभी तक हमने एग्जीबिशन को रखा हुआ है, तो एग्जीबिशन की आप मार्केट कैसे देख रहे हैं आगे? बेसिकली एग्जीबिशन की मार्केट को इस तरह से देख रहा हूँ कि जब भी साइज़ के इम्प्रूव करने की बात आती है, उस पर वर्किंग की बात आती है, लॉन्ग फैदर की तरफ जाने की बात आती है, फैदर क्वालिटी बेहतर करने की बात आती है, तो बर्ड वैन में एक एग्जीबिशन ही आता है जो कि फैदर क्वालिटी को बेहतर करता है, फैदर को बड़ा करता है, बर्ड का साइज़ इंप्रूव करता है। आप एग्जीबिशन को क्राफ्ट में लाएँ, उस क्राफ्ट को आप होगो में ऐड करें। आप अगर होगो का एक ट्रेंड देखते हैं तो होगो का साइज़ बढ़ाएँ, आप होगो को एग्जीबिशन में लेके आएँ, उसकी मोटिवेशन में जो है साइज़ बढ़ाएँ, रिसेसिव को साइज़ से वर्किंग करें आप। तो एग्जीबिशन को रखने का मकसद ये है कि जहाँ पे लोग इससे थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहे हैं कि एग्जीबिशन एक ट्रेंडिंग नहीं है या लोगों का रुझान उस तरफ नहीं है, मैंने नहीं स्किप किया, मैंने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है। बर्ड थोड़ा लगाया लेकिन अच्छा लगाया, एग्जीबिशन था उसको क्रफ्ट में डालने की कोशिश की है, और क्रफ्ट से इस तरह आगे फर्दर जो है होगोरोमो में जाने का मेरा एक प्लान है। जी माशाल्लाह। तो अच्छा, आप कह रहे हैं कि एग्जीबिशन वर्किंग चलाएंगे हम होगो के साथ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एग्जीबिशन को, क्योंकि प्रोड्यूस करने में, उसका ऐड बनाने में मुख्तलिफ जो उसकी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो बहुत लंबा अर्सा है। तो आपको नहीं लगता कि आप बहुत पीछे निकल जाएंगे और ब्रीडर से? बेसिकली ना शौक यहाँ पे वेरी करता है ना, वो ये है कि जो चीज़ अपने घर की खुद बनाई जाए ना, उससे बंदा सीखता तो बहुत कुछ है। एट एंड अगर वो थोड़ा डिले भी हो जाता है ना, हम एक सीज़न बाद भी वो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो अपने घर की चीज़ हमने अपने खुद की मेहनत से बनाई है उसका मज़ा हो रहा है। हमें उसके फीचर का पता है, उस बर्ड की हिस्ट्री का पता है, उसकी पेडिग्री का पता है कि हम उसको किस तरह लेके चल रहे हैं, तो इसका डिले वाला मामला आपकी बात बजा है कि हो जाएगा, लेकिन अपने ही बर्ड से बर्ड बनाने का मज़ा वो और है। जी हमारे साथ आज मौजूद है जनाब अब्दुल मोहसिन भुट्टा साहब, दिखाते हैं हम आपको इनका ब्रीडिंग सेटअप। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी अहमद भाई, ये मेरे पास एक येलो डीएफ का पेयर है डबल फैक्टर में, मेल का माशाल्लाह साइज़ अच्छा है, पेटल भी बड़ा है इसका, मेल जो है लोटिनो का स्प्लिट भी है इसकी। माशाल्लाह से जो ब्रीड आई है हमारे पास वो आपको दिखाते हैं। इसमें जो है
दो चिक फ्राइड राइस भी दिए हैं स्पेयर ने मेरे पास, और कुछ इसके चार्ज जो है फॉक्सर हुए हुए हैं। ये अहमद भाई इनकी ब्रीड आई हुई है हमारे पास, इसमें आप देखेंगे कि कुछ चिक्स मैंने किसी और पेयर के फॉस्टर किए हैं। इनमें एक चिक जो है वो लोटिनो का आया है, येलो रेड है इसका आया हुआ है, एक चिक जो है वो वाइट रेड है अल्बिनो का आया हुआ है मेरे पास। ये अहमद भाई मेरे पास एक रिसेसिव पाइट का पेयर है, मेल मेरे पास है वाइट रिसेसिव पाइट का, इसको मैंने वर्किंग में ऐड किया है ग्रीन फीमेल के साथ। माशाल्लाह ग्रीन फीमेल का साइज़ अच्छा है, लॉन्ग पेटल में है, इससे मैंने प्रोड्यूस जो करने हैं वो येलो रिसेसिव प्रोड्यूस करवाने हैं, प्रोडक्शन करवानी है इसकी। तो इंशाल्लाह इससे पहले स्प्लिट्स लेंगे, ये अभी मैंने न्यूली पेयर ही बाउंड किया है, तो जैसे इसके स्प्लिट्स आएंगे देन आगे इसको येलो रिसेसिव लेमन की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह इस रिसेसिव के पेयर को। ये बताओ जी अहमद भाई, ये मेरे पास एक पेयर है ग्रे विंग का, साथ इसके साथ फीमेल जो है वो क्लियर विंग की स्प्लिट दी है मैंने, रेनबो वर्किंग के लिए पेयर लगाया था मैंने। इसके जो हमारे पास चीक्स आए हैं वो आए दिखाते हैं आपको, चीक्स मोस्टली जो हैं सिंगल फ्लावर मेल पे गए हैं, दो से तीन चीक्स जो हैं इसमें ग्रे विंग के मेरे पास आए हैं, जो कि अपलाइन में भी है एक चीक्स, इंशाल्लाह इसको आगे क्लियर विंग के साथ यूज़ करके रेनबो बनाने का इरादा है। मुझे बता दीजिएगा इसके जो माशाल्लाह से चीक्स हैं वो हमारे पास ग्रेविंग में आए हैं, सिंगल फ्लावर के चीक्स आए हैं, लेकिन साथ में एक ऑफलाइन का बर्ड आया है वो डबल फ्लावर में है, प्लस ये फीमेल क्योंकि ब्लैक पैटर्न की थी एक चीक्स है, इसमें वायलेट ब्लैक पैटर्न का भी आया है। ये अहमद भाई हमारे पास एक पेयर है नॉर्मल मार्किंग ब्लैक पेटल का, मैंने पेयर लगाया था वायलेट और ग्रीन प्रोड्यूस करने के लिए, ये फ्रंट पे मेल है ग्रीन और दूसरी तरफ वो वायलेट की फीमेल बैठी है विदाउट फ्रिल में है वो फीमेल, दरमियान में इनका बच्चा है माशाल्लाह से, इनकी एक ब्रीड जो है फर्स्ट क्लास सेल्फ होके चिक्स कवर होके बाहर आ चुके हैं, पाँच बच्चे इसमें से आए थे, अपलाइन के दो पीसेस जो है वो फॉस्टर किए गए थे, बाकी नॉर्मल मार्किंग के जो चिक्स हैं वो इसी पेयर के हैं। ये अहमद भाई मेरे पास एक टीसीबी की वर्किंग का पेयर है येलो प्रोड्यूस करवाने के लिए, फीमेल विजुअल वाइट टीसीबी की है, प्योर वाइट है, और साथ इसके वो सामने मेल है टीसीबी का स्प्लिट है वो मेल, इससे जो हमारे पास चिक्स आए हैं वो माशाल्लाह से तीन टीसीबी आए हैं, वो फॉस्टर है किसी और पेयर के नीचे, दो वाइट टीसीबी हैं और एक येलो है, और इसने जो चिक्स पाले हैं वो माशाल्लाह से सेल्फ होके बाहर आ चुके हैं। जी अहमद भाई ये मेरे पास एक पेयर है नॉर्मल मार्किंग का ब्लैक पेटल का मेल है, साथ बेसिकली ये दोनों जो हैं क्लियर विंग के स्प्लिट हैं, लेकिन इनके एग्स मैंने उठा लिए थे अनफर्टाइल हो गए थे, उसके बाद जो है इन्होंने चिक्स फोस्ट किए हैं और पाले हैं वो माशाल्लाह से आपके सामने हैं चिक्स, पाँच से छः बच्चे इन्होंने अपने सेल्फ किए हैं इस टाइम। ये सारे इनके अपने चिक्स हैं माशाल्लाह, एक साइज़ का अच्छे साइज़ में बर्ड भी आया है इनसे, दो चिक्स कुछ नॉर्मल मार्किंग के आए हैं, एक ऑफलाइन का है और बाहर एक दो चिक्स जो हैं इसे ग्रीन ऑफलाइन भी दिए हैं इस पेयर ने। ये अहमद भाई एक पेयर है मेरे पास ऑफलाइन का है, वायलेट ऑफलाइन का मेल है और साथ इसके ग्रीन ऑफलाइन की अच्छे साइज़ में माशाल्लाह फीमेल है, इसकी एक क्वालिटी है कि मेल जो है अपलाइन होते हुए भी नॉर्मल मार्किंग के इसने चीज़ प्रोड्यूस किया है मेरे पास, वायलेट नॉर्मल मार्किंग के चीज़ आए हैं माशाल्लाह से, और एक तो टीसीबी के हैं इसके नीचे वो फॉक्सर किए हुए हैं, बाकी माशाल्लाह से इस पेयर की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, और ये पेयर जो है अब ये चीज़ इन्हीं इसी पेयर के हैं, इसके अपलाइन होते हुए भी इसने जो चीज़ हैं मेरे पास नॉर्मल मार्किंग के प्रोड्यूस किए हैं माशाल्लाह से, प्लस जो है ये मेरे पास पेयर दोबारा जो है लेंगे इसकी स्टार्ट है, इसके बॉक्स में दिखाते हैं दोबारा से जो है पेयर के अंडे भी हमारी तरफ आए हुए हैं। ये दोबारा से माशाल्लाह इसमें जो है दो से तीन एग्स दोबारा ले कर चुके हैं, फर्स्ट क्लच इसका तकरीबन जो है वो सेल्फ होने को है। ये अहमद भी मेरे पास एक पेयर है नॉर्मल मार्किंग ब्लैक पैटर का, फीमेल माशाल्लाह से नॉर्मल मार्किंग ग्रीन की है,
ब्लैक पेटल में, और मेल जो है वो गोल्डन फेस टर्कोइज कलर इसको कहते हैं। तो ये माशाल्लाह मेल विदाउट फ्रिल में है, अच्छे पेटल्स में है, इससे अच्छे चिक्स की उम्मीद है मुझे इस पेयर से, माशाल्लाह से क्वालिटी बर्ड है। इसकी लाइंग आई हुई है मेरे पास माशाल्लाह से, इसने 6 से 5 अंडे जो है मेरे ख्याल में इसे उतारे हुए हैं बॉक्स के अंदर। ये अहमद भाई माशाल्लाह से मेरा TCB का पेयर है, मेल TCB का स्प्लिट है, साथ जो है येलो लेमन की TCB की फीमेल है। इससे माशाल्लाह मेरे पास लाइंग की हुई है, इससे जो मेरे पास चिक्स आने वाले हैं वो इंशाल्लाह जो है मेरे पास येलो जो है TCB लेमन में प्रोड्यूस होंगे डबल फ्लावर में। और इसके अंडे दिखाएँ आपको, ये माशाल्लाह से फीमेल ने जो है 5 अंडे दे दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे फर्टाइल लग रहे हैं, इंशाल्लाह विद इन जो है वीक 6 निकलना शुरू हो जाएंगे। ये अहमद भी माशाल्लाह से मेरे पास फेलो होगोरोमो का पेयर है, मेल विजुअल जो है गोल्डन फेस जो है क्रीमिनो फेलो का मेल है मेरे पास, साथ जो है इसके फेलो स्प्लिट की ही फीमेल है। तो पिछले साल में सीज़न मुझे इस मेल से जो है स्प्लिट्स लेके फेलो मैंने एक आधा पर्चा प्रोड्यूस किया था, इस दफ़ा प्रॉपर जो है फेलो मेल के साथ फेलो स्प्लिट की फ़ीमेल दे के तो येलो फेलो की तरफ इसको लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। फेलो का ये पेयर मैंने जो है अभी करंटली न्यू बाउंड किया है, उम्मीद है कि जल्दी अपनी बाउंडिंग अच्छे से करके तो लाइन की तरफ आएगा पेयर। ये अहमद भी मेरे पास एक पेयर है माशाल्लाह वाइट में, वाइट DF का मेल है, साथ वाइट रेड है इसकी फीमेल है। ये मेरी होम ब्रीड का पेयर है माशाल्लाह से, मेल के क्वालिटी फ्लावर्स हैं, साथ इसके जो फीमेल है वो रेड आइस होगो की अटैच की गई है वाइट में। इसकी माशाल्लाह से मेरे पास लाइंग आई हुई है, उम्मीद है कि इससे कुछ चिक्स रेड आइस भी आ जाएंगे और जो है कि स्प्लिट्स आएंगे रेड आइस के वाइट में। ये माशाल्लाह से फीमेल ने जो है 4 अंडे दे दिए, उम्मीद है ये 2 से 3 अंडे और भी देगी तो फिर माशाल्लाह इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ये अहमद भाई माशाल्लाह से मेरे पास एक जो है डार्क स्ट्रक्चर में थोड़ा ग्रे नॉर्मल मार्किंग का बर्ड है ब्लैक पेटल में, ये एक ही बर्ड है। इससे थोड़ी सी होप ये थी कि मैं डार्क स्ट्रक्चर के चिक्स प्रोड्यूस करूँ, इसको नॉर्मल ब्लू सीरीज के साथ यूज़ करके, तो मैंने इससे जो है ग्रे भी प्रोड्यूस करवाने हैं। एक गोल है छोटा सा कि इसको मैंने गोल्डन फेस येलो फेस ग्रे के चिक्स मैं इस मेल की वर्किंग से प्रोड्यूस करवाऊँ। अभी भी माशाल्लाह से इसके जो है पेयर ने मेरे पास लाइन की हुई है, फीमेल ने 6 एग मेरे पास ले कर दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल है, देखते हैं कि फीमेल की क्या प्रोग्रेस है। ये माशाल्लाह से जो है फीमेल अंडों पर बैठी हुई थी, 6 अंडे इसने दे दिए हैं फीमेल ने, साथ इसके जो है मेल के साथ ब्लू सीरीज की नॉर्मल मार्किंग की ब्लैक पैटर्न की फीमेल अटैच की हुई थी। ये अहमद भाई मेरे पास एक पेयर है TCB प्लस येलो लेस किंग का, तो माशाल्लाह फीमेल डबल फ्लावर में है, मेल सिंगल फ्लावर या डेड फ्लावर कह सकते हैं मेल को। लेमन TCB नॉर्मल मार्किंग का मेल है, साथ उसके लेसिंग येलो रेड आइस की जो है फीमेल दी गई है TCB प्लस जो है लेसिंग प्रोड्यूस करवाने के लिए येलो में। इंशाल्लाह ये पेयर जो है न्यूली बाउंड है, उम्मीद है कि जल्दी ये पेयर लाइन करेगा और इसकी प्रोग्रेस आपको फिर मैं बाद में दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये अहमद भी मेरे पास एक पेयर है येलो फेस या गोल्डन फेस ऑफलाइन का, वायलेट का मेल है, ब्लू ऑफलाइन की फीमेल है। बेसिकली इस पेयर से मैंने अच्छे जो है येलो फेस ऑफलाइन प्रोड्यूस करने हैं। इस मेल का साइज़ अच्छा है, पैटर्न लॉन्ग है, इसे माशाल्लाह से मेरे पास लाइन स्टार्ट कर दी है, उम्मीद है कि फीमेल ने ना 1 अंडा दिया हुआ था, आइए देखते हैं कि इस फीमेल की क्या प्रोग्रेस है। हाँ जी सही है माशाल्लाह से फीमेल ने पहला अंडा दे दिया है, उम्मीद है कि फर्दर ये अपने हफ्ते के अंदर अंदर जो है अपने और एग्स कंप्लीट करके तो इनको फर्टाइल करेगा ये पेयर।
ये मेरे पास एक पेयर है, साथ नॉर्मल ग्रीन ब्लैक पेटल का मेल है, इसको मैंने फीमेल साथ जो दिया है अहमद भाई वो दिया है पाइट की। इंशाल्लाह इससे मेरा एक तो पाइट ब्लैक पेटल में प्रोड्यूस करने का इरादा है और पाइट को येलो पाइट, डोमिनेंट येलो पाइट की तरफ ले आने का इरादा है मेरा इस पेयर के थ्रू। मेल नॉर्मल ग्रीन का है, फीमेल बॉक्स में माशाल्लाह से लाइन करके बैठी है, देखते हैं कि फीमेल ने कितने अंडे जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। ये माशाल्लाह से जो है फीमेल है, फीमेल ने मेरे ख्याल में 5 से 6 अंडे दे दिए, अंडों को सही से इनक्यूबेट करके बैठी हुई है फीमेल। इससे जो है फर्दर इंशाल्लाह पाइट में ब्लैक पेटल और येलो की तरफ, डोमिनेंट की तरफ इसको लेके जाऊंगा मैं इस पेयर के थ्रू इंशाल्लाह। अहमद भाई अब आपको लेके आते हैं ज़रा एग्जीबिशन की तरफ। ये मेरे पास एक पेयर है मेल, माशाल्लाह से मेरे पास 2 साल से बहुत अच्छे चिक्स प्रोड्यूस करता आ रहा था। इस एग्जीबिशन के मेल को मैंने दिया है 7 क्रफ्स की फीमेल, सैनमून ग्रीन की जो है क्रफ्स की फीमेल है। इससे माशाल्लाह क्रफ्स के सपलिट्स आएंगे मेरे पास एग्जीबिशन में, तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसके चिक्स हैचिंग स्टार्ट हो चुकी थी, 3 से 4 चिक्स इसके आ गए होंगे। आए इसकी प्रोग्रेस दिखाते हैं आपको एग्जीबिशन क्रफ्स की तरफ। ये माशाल्लाह से इसके जो है चिक्स आए हुए हैं, 4 से 5 बच्चे जो हैं हैच हो चुके हैं, डिफरेंट डेज के हैं। तो इसको देखते हैं कि माशाल्लाह से ये क्या फीचर्स निकालते हैं एग्जीबिशन में, क्रफ्स में अच्छे क्रफ्स प्रोड्यूस हैं, यही उम्मीद है इसके से इंशाल्लाह। ये अहमद भाई मेरे पास एक पाइट, डोमिनेंट पाइट एग्जीबिशन का पेयर है, माशाल्लाह से फीमेल ग्रे डोमिनेंट पाइट की है और मेल ब्लू डोमिनेंट पाइट में है, अच्छी मार्किंग का पेयर है। तो इसके माशाल्लाह से मेरे पास जो है चिक्स आ चुके हैं एग्जीबिशन में पाइट में, और इसकी प्रोग्रेस दिखाते हैं आपको पेयर की एग्जीबिशन पाइट की। इस पेयर ने जो है माशाल्लाह से 7 अंडे दिए थे, एक अंडा इसका लास्ट जो है वो आखिर में डेजिंग सेल हुआ है, तो माशाल्लाह से 6 चिक्स जो है ये फीड करा रहा है, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी फीडिंग और प्रोग्रेस है, 6 बच्चे जो हैं इसके इस टाइम जो है फीडिंग पर हैं माशाल्लाह से। ये अहमद भाई एक पेयर मैंने एग्जीबिशन क्राफ्ट के सपलिट्स लेने के लिए लगाया हुआ है, फीमेल माशाल्लाह काफ़ी अच्छी साइज़ और कैटेगरी की फ़ीमेल है। इस फीमेल ने मेरे मुझे एक बहुत हैवी किस्म के जो हैं बच्चे 2 प्रोड्यूस किए थे मेल फीमेल, वो भी अभी मेरी अवेरी में जो है फ्लाइंग केज में है। उसके साथ मैंने जो मेल छोड़ा है वो एग्जीबिशन क्राफ्ट का दिया है क्राफ्ट के सपलिट्स बनाने के लिए, तो माशाल्लाह से ये पेयर जो है लाइन पर आ चुका है, जल्दी जो है इसकी प्रोग्रेस जो है सामने आएगी। ये माशाल्लाह से जो है पूरा पेयर मेरा होम ब्रीड का पेयर है, पिछले सीज़न की होम ब्रीड से ये मेल है, फीमेल भी जो है मेरे पास स्पेंगल सीरीज से जो है डीएफ वाइट में जो है मेरी होम ब्रीड की फ़ीमेल है। तो माशाल्लाह से पेयर फुल बाउंड हो चुका है, फुल रेडी है लाइन पर, ये भी पेयर जो है आ चुका है। बात है